हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शिवानी मिश्रा। स्वागत है आप सभी का डिज़ाइनपुर में। आज बैक ब्लाउज डिज़ाइन बताएंगे। ब्लाउज की लंबाई 13.5 इंच है, शोल्डर की चौड़ाई 6 इंच है, आर्म होल की लंबाई 6 इंच है। ब्लाउज का साइज अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। 3 इंच की चौड़ाई देते हुए गले की मार्किंग करेंगे। नीचे के साइड भी 3 इंच की चौड़ाई पर मार्क करके दोनों को बराबर करते एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब गले की लेंथ लेंगे तो मैं गले की लंबाई देखिए 10.5 इंच रख रही हूँ। 10.5 पे मार्क करके बिल्कुल बराबर में एक लाइन ड्रॉ करते हुए बॉक्स बनाएंगे। अब गले की डिज़ाइन का मार्किंग करेंगे तो आप देख लीजिए मैंने डिज़ाइन का मार्किंग कर दिया। इसकी सेम कटिंग कर रहे हैं, ऐसे कर दीजिएगा। ब्लाउज़ कपड़ा ले लेते हैं और इसके भी गले की सेम कटिंग कर लेंगे। अब दोनों को बराबर में रख देंगे और एक सिलाई लगाते हुए इसकी स्टिचिंग करेंगे गले की। तो आप देख लीजिए ऐसे स्टिचिंग आप भी कर दीजिएगा। तो देखिए मैंने गले की पूरी अच्छे से स्टिचिंग कर दिया है। गले पे छोटे छोटे कट लगाएंगे, इससे जब गले को पलट कर सीधा करेंगे तो डिज़ाइन सेम आएगी। तो मैंने कट लगा दिया है। अब गले को पलट कर सीधा करेंगे और एक सिलाई लगाते हुए गले की फिनिशिंग की स्टिचिंग करेंगे। तो आप देख लीजिए ऐसे फिनिशिंग की स्टिचिंग कर लीजिएगा। तो मैंने देखिए गले की फिनिशिंग की स्टिचिंग कम्प्लीटली कर दिया है। अब ब्लाउज़ की ऑलराउंड स्टिचिंग करेंगे। अस्तर कपड़े को बराबर में फैला लेते हैं और एक सिलाई लगाते हुए पूरे ब्लाउज की ऑलराउंड स्टिचिंग कर देते हैं। तो मैंने देखिए ऑलराउंड स्टिचिंग कम्प्लीटली ब्लाउज़ की कर दिया है। नीचे के साइड से ब्लाउज में ट्रक्स की स्टिचिंग करेंगे। तो अच्छे से माप लेते हुए ट्रक्स को स्टिच कर दीजिएगा। दोनों साइड से ट्रक्स को स्टिच कर लेंगे। तो मैंने देखिए दोनों साइड से ट्रक्स को स्टिच कर दिया। नीचे के साइड से फैब्रिक ज्वाइंट करेंगे तो ये फैब्रिक ज्वाइंट कर दिया। इसको डबल फोल्ड करेंगे फैब्रिक को, ब्लाउज के साथ में ज्वाइंट करते सिलाई लगा के इसकी पूरी स्टिचिंग कर देते हैं। तो मैंने देखिए नीचे के साइड से सिलाई लगाते हुए ब्लाउज को स्टिच कर दिया है। मेरा ये ब्लाउज पूरा स्टिच हो चुका है। गले पे डिज़ाइन करेंगे तो डिज़ाइन करने के लिए ब्लाउज साइड करेंगे। मैंने एक पट्टी ले ली, इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी। इसको डबल फोल्ड करेंगे पट्टी को और एक सिलाई लगाते हुए साइड से इसकी पूरी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो देखिए मैंने पट्टी की कम्प्लीटली पूरी स्टिचिंग कर दिया। अब इसको पलट कर सीधा करेंगे तो आप देख लीजिए मैं कैसे इसको पलट कर सीधा कर रही हूँ, ऐसे कर दीजिएगा। तो देख लीजिए मैंने ये पट्टी को पूरा पलट कर सीधा कर दिया है। अब इसको बराबर करते हुए हाथों से थोड़ा प्रेस कर देंगे तो डिज़ाइन बनाने में आसानी रहेगी। तो आप देख लीजिए मैं कैसे इसको हाथों से प्रेस कर रही हूँ, ऐसे प्रेस करते बना दीजिएगा। अब इसको हम 2.5 इंच की लंबाई पे, 2.5 इंच की लंबाई पे हम पूरा इसको फोल्ड कर लेते हैं। तो जितने भी पार्ट्स आ सके सभी पार्ट्स को ऐसे बराबर में 2.5 इंच की लंबाई में रख के फोल्ड कर दीजिएगा। अब इसको कट करके अलग अलग कर रहे हैं, ऐसे आप भी कर दीजिएगा। तो मैंने इसको पूरा कट करके अलग अलग कर दिया। अब इसका डिज़ाइन करेंगे तो आप देख लीजिए मैं कैसे इसका डिज़ाइन करूँगी। तो पहले एक पट्टी लेंगे और उसको इससे फोल्ड कर देंगे, बिल्कुल मिड से फोल्ड करते हुए थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ऐसे आ जाएगा मार्किंग। उससे वही जगह से नीडल की सहायता से देखिए स्टिचिंग करते हुए कैसे डिज़ाइन बना रहे हैं, ऐसे बना के धागे को लपेट दीजिएगा 3-4 फेरे में। तो हमारा डिज़ाइन आ जाएगा। रेड कलर की धागे से मैं लपेट रही हूँ क्योंकि रेड कलर का मेरे ब्लाउज में कलर है। तो इस तरीके से डिज़ाइन बना लीजिएगा, दूसरे कलर से धागे को लपेट कर ऐसे बनाइएगा। तो आप देख रहे हैं मैं डिज़ाइन आपको ये बनाकर दिखा देती हूँ। जिस तरीके से मैं आपको ये कुछ डिज़ाइन बनाकर दिखा रही हूँ, इस तरीके से आप पूरा डिज़ाइन बना लीजिएगा जितनी भी ब्लाउज़ में यूज़ करनी हो डिज़ाइन। तो ये दो डिज़ाइन मेरी देखिए कंप्लीट है। इस तरीके से मैं पूरा बना लूँगी। तो मैंने ये देखिए पूरा डिज़ाइन बना दिया। इसको साइड करेंगे डिज़ाइन को और आपको आगे का दिखाएंगे कैसे बनाया जाएगा। तो ये न्यूज़पेपर ले लिए हैं, न्यूज़पेपर को डबल फोल्ड करके रख दिए हैं। तो इसके ऊपर हम ब्लाउज़ को भी डबल फोल्ड करके रख देंगे और गले के बराबर में हमें डिज़ाइन का मार्किंग करना है। तो आप देख लीजिए मैं कैसे डिज़ाइन का मार्किंग करूँगी। इस तरीके से डिज़ाइन का मार्किंग आप भी कर दीजिएगा।
सकती है। मैंने डिज़ाइन का मार्किंग कर दिया है, अब इसकी कटिंग करेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कटिंग कीजिएगा। साइड से 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिएगा, 1/2 से थोड़ा सा कम ही लीजिएगा। तो देखिए मैंने पूरा मार्किंग कर दिया, अब इसकी कटिंग करें। ऐसे कटिंग कर लीजिएगा न्यूज़पेपर पे। तो मैंने ये न्यूज़पेपर की कटिंग कर दिया, इसके ऊपर डिज़ाइन स्टिच करेंगे जो बनाए हुए डिज़ाइन को, और दूसरे साइड से भी न्यूज़पेपर पे मार्किंग करना है। तो इस तरीके से प्रेस कर देंगे तो दूसरे साइड से मार्किंग कर लेंगे। अब ये दोनों को साइड करेंगे और डिज़ाइन ले लेंगे। डिज़ाइन को देखिए हम न्यूज़पेपर पे कैसे स्टिच कर रहे हैं, आपको वीडियो में क्लियर दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। ऐसे डिज़ाइन को स्टिच कर दीजिएगा। तो ये देख लीजिए मैंने डिज़ाइन को पूरा एक साइड से स्टिच करके दिखा दिया है। दूसरे साइड से भी डिज़ाइन को सिलाई लगाते हुए बराबर करते हुए स्टिच करेंगे। तो आप वीडियो में देखिए दूसरे साइड से भी ऐसे स्टिच कर दीजिएगा। तो ये डिज़ाइन देखिए पूरा स्टिच हो चुका है। अब इस पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको पूरा कटिंग करके निकाल देते हैं। तो मैंने निकाल दिया, अब इसके साइड से पूरा पाइपन करेंगे। दूसरा भी ऐसे बना दिए हैं, अब दोनों को पाइपन करना है। तो एक डिज़ाइन ले लिए हैं और पाइपन के लिए मैंने देखी ये पट्टी ले ली है, स्ट्रेच वाले क्रॉस में कटिंग किया था। रॉन्ग साइड से इसको रखते हुए स्टिच करेंगे। तो आप देख रहे हैं मैं पट्टी को कैसे स्टिच कर रही हूँ, ऐसे बराबर करते हुए स्टिचिंग कर दीजिएगा पट्टी की। अब इसको डबल फोल्ड करेंगे पट्टी को, और सीधे साइड से राइट साइड से लगाते हुए देखिए स्टिच करेंगे। तो चौड़ी वाली पाइपन में कर रही हूँ, तो आप देख लीजिए मैं कैसे स्टिच कर रही हूँ। इस तरीके से पाइपन करते स्टिच कर दीजिएगा। तो ये देखिए मैंने न्यूज़पेपर को अच्छे से बना दिया पाइपन, दूसरे साइड से भी बना देंगे। दोनों साइड से पाइपन अच्छे से मैंने कर दिया है, इसको साइड कर दिए। मैंने ये एक पट्टी ले ली है, इसमें की चौड़ाई मैंने 1.5 इंच रखी है। इसको दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे, बीच में बिल्कुल बराबर में फोल्ड करते इसकी हम देखिए एक पट्टी स्टिच कर रहे हैं। तो ऐसे आप भी पट्टी स्टिच कर दीजिएगा। तो ये पट्टी स्टिच हो चुकी है, दूसरे साइड से भी पट्टी को बराबर में स्टिच कर लेंगे। तो मैंने दोनों साइड से पट्टी को स्टिच कर दिया। अब इसको 1.5 इंच की लंबाई पे फोल्ड करेंगे और कट करके अलग अलग कर देंगे। देखिए मैंने 1.5 इंच की लंबाई पे फोल्ड कर दिया, अब कट करके अलग अलग कर देंगे। अब इसको हमें ये जो डिज़ाइन बनाई है, डिज़ाइनों को दोनों को बराबर में रखेंगे और इस पर मार्किंग करेंगे जहाँ जहाँ पट्टी को स्टिच करनी है। ये दोनों पे मार्किंग कर दिया। अब इस पर देखिए मैं कैसे स्टिच कर रही हूँ पट्टियों को, डबल फोल्ड करते लूप्स बनाते हुए। ऐसे आप भी लूप्स बनाते हुए पट्टी को पूरा स्टिच कर दीजिएगा। तो ये देख लीजिए मैंने एक साइड से स्टिच कर दिया है, दूसरे साइड से भी कर दिया। इसमें डोरी डालेंगे तो डोरी ले लिए हैं। अब देखिए एक दूसरे से क्रॉसिंग करते हुए डोरी को कैसे डाल रहे हैं, इस तरीके से डोरी को डाल दीजिएगा। तो ऐसे दूसरे साइड से भी देखिए एक एक छोड़ के मैंने डोरी डाली थी, इस तरीके से दूसरे साइड को मिलाते हुए डोरी डाल दीजिएगा। अब डोरी को हम नीचे के साइड से बराबर में कट कर लेंगे, जितना मुझे चाहिए उतना मैंने कट कर दिया। दोनों पे फ्लावर बनाने के लिए स्क्वायर में 2 फैब्रिक लिए हैं, फ्लावर स्टिच कर रहे हैं। ऐसे दोनों डोरियों पर फ्लावर बना दीजिएगा, जैसे एक साइड मैंने बनाई हुई है फ्लावर, एक साइड का कंप्लीट है, दूसरे साइड भी मैंने बना दिया है। डोरी को अच्छे से बांध लेते हैं। अब डिज़ाइन को इसको ब्लाउज के साथ में स्टिच करेंगे। तो ब्लाउज लेंगे और इसके साथ में बिल्कुल बराबर में ब्लाउज को रखेंगे। तो मैंने ब्लाउज ले लिया, बराबर में डिज़ाइन को ब्लाउज के साथ में रख लेते हैं। तो डिज़ाइन को बराबर में रख दिया, सिलाई लगाते हुए डिज़ाइन और ब्लाउज को स्टिच कर देंगे। ये डिज़ाइन और ब्लाउज स्टिच हो चुकी है। अब इसको डेकोरेट करने के लिए लेस ले लिए हैं, गले पे बिल्कुल बराबर में लेस को स्टिच कर लेते हैं। और यहाँ से कॉर्नर को अच्छे से फोल्ड करके बनाइएगा लेस से। तो एक साइड से स्टिच है, दोनों साइड से लेस को देखिए कैसे स्टिच करें, ऐसे कर दीजिएगा। तो लेस स्टिच हो चुका है गले पे, देख लीजिए। न्यूज़पेपर जो मैंने लगाया हुआ था दोनों डिज़ाइन पे रिमूव कर दीजिएगा, मेरा उतना वीडियो कट चुका है। तो मेरी डिज़ाइन देखिए बिल्कुल कंप्लीट है। अगर आपको ये डिज़ाइन मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। चलिए फ्रेंड मिलते हैं नए वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।